तक आपको सेलेक्ट करने का कितने विधि बताए गए हैं? सेलेक्ट करने के लिए कितने विधि बताए गए हैं? एक क्या चीज? कंट्रोल ए। जब आप राइटर एमएस वर्ड का उपयोग करना शुरू करेंगे तो आप उससे सेलेक्ट करने के अलग अलग तरीकों को भी पता होना जरूरी है। एक आपको पता है कंट्रोल ए करके देखिए सेलेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। सेलेक्ट हो गया। कैसे पता चलता है कि सेलेक्ट हो गया? हमारा जो टेक्स्ट है डॉक्यूमेंट है ब्लू कलर से हाईलाइट हो जाता है। पेंट में क्या था जब सेलेक्ट करने का तरीका टेक्स्ट टूल लेते थे तो कंट्रोल ए करते थे तो सेलेक्ट होता था तो ब्लू कलर हो जाता था। पर कोई इमेज को सेलेक्ट करते थे तो क्या होता था? सेलेक्ट टूल पे जाना होता था वहां से रेक्टेंगुलर। डिफरेंस आ गया सेलेक्ट में। एक ये तरीका। दूसरा तरीका है आप अपने एरो की के द्वारा। एरो की कौन सी होती है? चार होती है, लेफ्ट राइट एरो और सॉरी लेफ्ट राइट अप डाउन। इन चारों के उपयोग के द्वारा सेलेक्ट कर सकते हैं। पर कौन से की के साथ में? शिफ्ट की के साथ। क्या करना होगा? शिफ्ट की को दबा के रखना होगा और एरो की को दबाना होगा। एरो की क्यों दबाएंगे? जिस साइड हमको सेलेक्ट करना आपका कर्सर जहां होगा मान लीजिए यहां पे है मुझे इस लाइन को सेलेक्ट करना है तो मैं शिफ्ट की को दबा दूंगा एक हाथ से और दूसरा एरो की का उपयोग करूंगा। कौन से एरो की का उपयोग करूंगा? लेफ्ट। लेफ्ट क्यों? इधर से लेफ्ट जाना है, इधर की तरफ आना है। एक बार सेलेक्ट करके दिखाऊं। शिफ्ट की दबा के लेफ्ट साइड में सेलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब बच्चे सेलेक्ट करेंगे ना तो क्या करेंगे? कभी शिफ्ट बटन को छोड़ देंगे तो कभी एरो की को छोड़ देंगे और कहेंगे मेरा तो सेलेक्ट ही नहीं हो रहा। जैसे आप बता रहे हो मैं कह रहा हूँ बार बार पूछेंगे वैसे ही करेंगे। अब परेशान हो जाओगे, गुस्से में आ जाओगे। पर नहीं, उनको उचित समझाना है कि आपको एक हाथ से शिफ्ट बटन दबा के रखना है और दूसरे हाथ से सेम टाइप पे लेफ्ट राइट अप या डाउन एरो की को प्रेस करना है जहां आपका ये कर्सर हो। मान लीजिए अगर मेरा कर्सर आई पे है, आई पे रखो यहाँ पे, ठीक है। मैं चाहता हूं कि सिर्फ इंडिया ही सेलेक्ट हो तो मैं कैसे सेलेक्ट करूंगा आप बताओ। मेरा कर्सर यहां पे है और मैं चाहता हूं कि सिर्फ इंडिया को ही सेलेक्ट करूं बाकी ये टेक्स्ट को नहीं, कैसे सेलेक्ट करूंगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है ना? एरो की का उपयोग मैंने बता दिया है। अब ये बताओ कि इंडिया को कैसे सेलेक्ट करेंगे? अभी जो मैंने तरीका बताया उसी से आपने सेलेक्ट किया था शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो की का उपयोग करके। कंट्रोल ए से तो पूरा हो जाएगा। अब बताना क्यों राइट एरो की यूज करूंगा? क्योंकि मुझे आगे के तरफ सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट हो जाएगा। अब सर इधर देखो कर्सर मेरा यहाँ पे है, अब मुझे इनको सेलेक्ट करना है क्या करना होगा? कौन से की को दबा के रखेंगे? शिफ्ट और फिर लेफ्ट, तो इन सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको? क्लियर है ना? ये दो दूसरा तरीका हो गया। पहला कंट्रोल है जिससे पूरा लाइन पैराग्राफ वर्ड जो सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरा शिफ्ट के साथ एक पार्टिकुलर वर्ड लाइन या पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे लाइन है, मेरे पास मान लीजिए 5 लाइन है, मेरा कर्सर दूसरे लाइन पे है, मैं चाहता हूं कि मेरा दूसरे लाइन से चौथे लाइन तक का सेलेक्ट हो तो क्या करूंगा? समझ में आ रहा है ना? ये पहला लाइन, इसके नीचे एक और लाइन, दो तीन चार
5। अब मैं चाहता हूं कि यहां से दूसरे लाइन से लेके चौथे लाइन तक सेलेक्ट हो और मेरा कर्सर चलो रहे तो बहुत है मत सेट करो उसको नहीं है ठीक है ये चार है चार ही लाइन का एग्जांपल लेते हैं मेरा कर्सर यहां पे है यहां अब मैं चाहता हूं कि तीसरे लाइन से सेलेक्ट शुरू हो और कितने लाइन तक चौथे लाइन तक मतलब तीसरे से बाकी नीचे के जितने भी लाइन है सेलेक्ट हो जाए क्या करना होगा कर्सर यहां पे है कौन सा चीज कौन से की का उपयोग करूंगा पजल सजल सॉल्व किया ना आपने जो होते हैं नंबर्स रिजुलिस बैठाना बताओ थोड़ा सा ये कर्सर यहां पे है क्या मैं एंटर बटन का प्रयोग करूंगा क्या मैं एंटर बटन का प्रयोग करूंगा आप बताओ मैंने बोला था जब तक बोलना नहीं सीखोगे मैं छोड़ूंगा नहीं आपको बोलो आप बताओ शिफ्ट प्लस करना नहीं ना शिफ्ट प्लस डाउन एरो की जो मैंने क्वेश्चन पूछा था क्या उस क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर सही है सर अब नीचे की तरफ थर्ड जीरो मैंने कहा कि मेरा कर्सर यहां पे है और मैं चाहता हूं कि तीसरे लाइन से सेलेक्ट होना शुरू हो आंसर गलत है क्वेश्चन के हिसाब से आंसर गलत है सही आंसर क्या होगा सर कर्सर को पहले इधर लाते कर्सर को तीसरे लाइन पे लाते तीसरे लाइन पे लाओ देना अब शिफ्ट के अंदर डाउन कीजिए शिफ्ट के साथ डाउन एरो की करूंगा तो ये सेलेक्ट होगा अब देखिए अगर मेरा कर्सर आई पे रहता तो फिर क्या करना होता एक वर्ड पीछे जाना होता और फिर सेलेक्ट कर सकते अब इस पे हम कोई फॉर्मेटिंग कर सकता हूं अच्छा यहां तक देखिए यहां पे लाया ये यहीं पे रुक गया ना दूसरी लाइन ही सेलेक्ट हुआ तीसरा लाइन तो हुआ नहीं क्यों जहाँ पे कर्सर है वहीं तक रहेगा वो अगर ये कर्सर का एंड यहाँ तक हो रहा है तो यहाँ तक आएगा अगर कर्सर का एंड यहाँ तक आ रहा है तो यहाँ तक पूरा लगेगा अब क्या करना होगा यहाँ से आगे की तरफ सेलेक्ट करने के लिए राइट की तरफ लेके जाएंगे करना राइट की तरफ आ गया ना अगर मुझे मान लीजिए इससे आगे भी लाना है तो राइट ही दबा दूंगा अगर मान लीजिए मैंने गलत लाइन सेलेक्ट कर लिया गलत लाइन का मतलब मैं चाहता हूं कि नहीं ये वाली लाइन मेरे को नहीं चाहिए मैं ये लाइन नहीं चाहता हूं अब मैं क्या करूंगा इसको अनसेलेक्ट करने के लिए क्या मैं पॉइंटर सॉरी क्या मैं टचपैड या माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कर दूं मैं एक बार उससे जो मैंने सेलेक्ट किया पूरा चला जाएगा पूरा क्या करना होगा मेरे को शिफ्ट और लेफ्ट का उपयोग करूंगा तो एक एक पीछे जाएगा वहीं पे लाना दोबारा से अब एक बार शिफ्ट और अप यूज करना शिफ्ट और अप यूज करेंगे तो एक लाइन हो ऊपर चला जाएगा ऐसे ही नीचे कर सकते हैं एरो की के द्वारा सेलेक्ट कर सकते हैं सेलेक्ट करना समझ में आ गया सबको एरो की के उपयोग से किसी को कोई डाउट है यहाँ पे इसके बाद भी हम कोई फॉर्मेटिंग कर सकते हैं मैं ये सेलेक्ट करना क्यों सिखा रहा हूँ कोई भी फॉर्मेटिंग करना जो हमारा राइटर वन होगा जो आपको राइटर वन का वीडियो मिलेगा उसके अंदर ये सब चीजें मिलेंगी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से बता दे रहा हूँ ताकि ये तरीका आप उस वीडियो के द्वारा एक्सप्लेन कर सके ठीक है अब देखिए तीसरा तरीका कौन बताएगा तीसरा क्या होगा माउस से कर सकते हैं माउस से या टचपैड के द्वारा कर सकते हैं
उसमें भी क्या देखना होगा कि आपका पॉइंटर कहां है और आप कौन से लाइन या कौन से वर्ड या कौन से पैराग्राफ को सेलेक्ट करना चाहते हैं। अब क्या करना होगा, मान लीजिए मेरा पॉइंटर यहां पे कर्सर यहां पे ब्लिंक कर रहा है और मुझे इसी लाइन को सेलेक्ट करना है इधर की तरफ, तो मुझे क्या करना होगा। अगर मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूं या नोटबुक यूज कर रहा हूं तो मैं लेफ्ट बटन को दबा के रखूंगा और टचपैड जो खाली जगह होता है उसको इधर की तरफ ऐसे करूंगा तो सेलेक्ट हो जाएगा। वैसे ही डेस्कटॉप में माउस है तो लेफ्ट बटन को दबा के रखूंगा और इधर की तरफ करूंगा तो सेलेक्ट हो जाएगा। करके देखिए हो रहा है नहीं हो रहा है, सेलेक्ट क्लियर है। अब मुझे ऊपर की तरफ जाना है। अब देखिए जब आप माउस के थ्रू उनको सेलेक्ट करना सिखाएंगे ना बच्चों को माउस के थ्रू, तो क्या करेंगे बार बार बीच में गैप कर देंगे, वो टेक्स्ट को गैप भी कर सकते हैं, वो जो टाइपिंग है ना उसको गैप भी कर सकते हैं, स्क्रॉल कर देंगे उसको, बीच वाला जो बटन है उससे स्क्रॉल कर देंगे पूरा गैप हो गया। अब ठीक करो उसको, फर्स्ट टाइम ट्रेन कर रहे हो आप कंफ्यूज हो जाओ कहां कर देंगे, तो हम कहां देखेंगे सबसे पहले उस चीज के लिए स्क्रोल बार को देखेंगे कि उन्होंने कहां पे किया है, ये नीचे है या ये आगे की तरफ हाइड हो गया है, तो फिर उसको ठीक करेंगे। अगर यार ये सब कुछ ठीक है फिर भी गायब हो गया है तो आप फिर आप अंडू देखेंगे, अंडू करके जो पेंट में आपने सीखा है कंट्रोल जेड आ गया तो ठीक है, नहीं तो या तो उन्होंने पूरा डिलीट ही कर दिया फाइल को क्लोज कर, अब दोबारा से उनको टाइप करना होगा। अगर सेव है तो तब तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा से टाइप, फिर उनको समझाएंगे कि फिर आप दोबारा से कहेंगे सर आपने